बारा बस्टर्ड, जिसको हम अपने लोकल लैंग्वेज में तिलोर कहते हैं। बहुत खूबसूरत गेम बर्ड है। बाकी बर्ड्स की तरह शायद उतना ब्यूटीफुल विद रेफरेंस टू प्लमेज नहीं है, बट इट्स वेरी शार्प एंड फास्ट बर्ड। दो इट्स बर्ड बट इट्स रनिंग बर्ड। अब उतना ज़्यादा फ्लाइट नहीं करता, ज़्यादातर बहुत तेज़ भागता है। तो इसकी इस एक्टिविटी की वजह से दिस हैज़ बीन कैप्चर्ड, दिस हैज़ बीन हंटेड बाय वेरियस टाइप ऑफ रैप्टर्स। मतलब कुछ कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जिनको इसके पीछे, यानी जिनको इसके पीछे लगाया जाता है, यानी इसको दौड़ाते हैं और पीछे से उन बर्ड्स को छोड़ देते हैं। जब वो बर्ड्स या रैप्टर्स पर्टिकुलरली जो इन बर्ड्स को शिकार करते हैं, जब वो इसको ले के आ जाते हैं, तो ये इट्स अ सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी, इट्स अ सॉर्ट ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटी फॉर सर्टन रिच पीपल। अब इसकी वजह से इस एनिमल को बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हैं। अगर हम एक जनरल बात करें तो ये भी देखा गया है, मतलब दिस हैज़ बीन रिपोर्टेड एज वेल, कि जो इसका मीट है दैट इज़ वेरी डिलीशियस। फॉर दैट पर्पज़ भी इस एनिमल को कैप्चर किया जा रहा है। सो इस हवाले से हम इसको गेम बर्ड कंसिडर करते हैं। जनरल डिस्क्रिप्शन में जिस तरह अभी हमने बात की दैट इट्स अ रनिंग बर्ड, सो इट्स अ लार्ज साइज रनिंग बर्ड, मेजरिंग अप टू 70 सेंटीमीटर इज लेंथ वाइल वे अप टू 2.5 केजीज। मतलब इतना वेट है कि अगर एनिमल को पकड़ के आप पका रहे हैं या इसको इसका बोन फायर कर रहे हैं, तो शायद वो एक डिलीशियस टेस्ट दे सकता है। बट डेफिनेटली हमें इस एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि वी आर सपोज टू सेव द वाइल्ड लाइफ। अगर हम इस तरह के एनिमल्स को, इस तरह के बर्ड्स को अपनी इस जस्ट रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए यूज़ करना शुरू करेंगे, तो इन एनिमल्स का नंबर कम हो जाएगा। सो जनरल बॉडी कलर इज सैंडी रफ विद ब्लैक स्पॉट्स। मतलब हमें इसकी बॉडी पर ब्लैक कलर के स्पॉट्स नज़र आते हैं, और जनरल जो कलरेशन है वो ब्राउनिश कलर का है। इसकी लेग्स कंपेरेटिवली लॉन्गर इन साइज होती हैं और थिनर होती हैं, जो इसको रनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं। लाइक यू कैन सी इन द फिगर के इसमें जो टॉप पार्ट है, डॉर्सल जो फेदर्स हैं, वो तमाम के तमाम ब्राउनिश कलर के हैं। लेग्स में आप देखें कंपैरेटिवली उतनी लंबी नहीं है, जबकि ओवरऑल अगर बर्ड का साइज देखा जाए तो इट सीम्स टू बी अ मैसी बर्ड। जबकि जो इसका यानी वेंट्रल पार्ट है दैट इज वाइटिश इन कलर। अगर आप इसकी नेक देखें, कंपैरेटिवली लॉन्गर है, थोड़ी सी थिक जो इसकी नेक है, और साइडों में जो इसके रफ्स हैं, यानी जो साइडों वाले जो बाल होते हैं नेक के, वो ब्लैक और वाइट पैटर्न दे रहे हैं। इसकी आई बड़ी प्रोमिनेंट है विद क्लियर कट प्यूपल एंड इट शॉर्ट क्रेस्ट ऑफ इलोंगेटेड फेदर्स दैट आर वाइट एट द बेस एंड टिप ब्लैक रफ ऑफ ब्लैक एंड वाइट फेदर्स ऑन ईच साइड ऑफ द नेक वाइल द बिल हॉर्न इज ब्राउन एंड लेग्स greenish yellow. Females are somewhat smaller with ruff and neck plumes less developed. Obviously, आम birds की तरह इसमें भी males ज़्यादा dominant हैं, males ज़्यादा massive हैं, ज़्यादा lengthy हैं, जबकि females comparatively छोटी size की होती हैं, और वो उतनी ज़्यादा beautiful भी नहीं है। Overall, अवल तो ये bird भी शायद उतना beautiful नहीं है जितने बाकी birds हैं, मगर even इस beautification के साथ भी जो बाकी जो females हैं वो शायद इतनी beautiful नहीं है। अगर हम इसकी फीडिंग हैबिट की बात करें, द बर्ड इज जनरली ओमनीवोरस। अब ओमनीवोरस में भी हम एज अ ह्यूमन वी आर ऑल्सो ओमनीवोरस, हम वैरायटी ऑफ फूड ले रहे हैं, मगर ओमनीवोरस होने के साथ साथ ये ज़्यादातर इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो वेजिटेरियन है। अब वेजिटेरियन में जो इसकी एक्टिविटीज़ हैं या जो फीडिंग है, उसमें ग्रासेज आ रही हैं, उसमें फ्रूट्स आ रहे हैं, बेरीज आ रही हैं, जो समटाइम्स ये इंसेक्ट्स को भी ले रहा है। समटाइम्स अगर हम इसकी ओमनीवोरस पर्टिकुलर उसकी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो स्मॉल स्नैक्स को भी इसको खाते देखा गया है। सो स्मॉल स्नैक्स ले रहा है, स्मॉल लिजर्ड्स को भी अपनी फूड का पार्ट बनाता है। सो हम कह सकते हैं इट्स ट्रूली ओमनीवोरस बट समटाइम्स स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन। इस बर्ड में भी एक और जो बड़ा प्रोमिनेंट फीचर है दैट दिस बर्ड इज अगेन अ शाय बर्ड। जब इसको पकड़ने की कोशिश की जाती है, तब ये डेफिनेटली अपने आप को वहाँ से बचाने के लिए रन करेगा और हाइड कर जाता है वेरियस तरह की बुशेस में। मगर ये जो बर्ड है, ये ज़्यादातर एरिड एनवायरनमेंट में प्रेफर किया जा मतलब रहता है। और एक और इस बर्ड का मसला ये कि जो इसके छोटे बच्चे होते हैं, यानी जो अभी जस्ट एग में से हैच हुए हैं, सो कॉल्ड नियोनेट्स, वो माँ की बीक के बगैर खाना नहीं खाते। सो जब इनको हम उसमें रखते हैं किसी कैप्टिव ब्रीडिंग में, जब इनको रखा जाता है इनकी इनके इनके नंबर को इम्प्रूव करने के लिए, तब वहाँ पर इसकी फीडिंग ही सबसे बड़ा इशू होता है।
तो उस वक्त सम टाइम्स आर्टिफिशियल चीज़ें बनाकर, आर्टिफिशियल हैंड्स बनाकर, यानी ह्यूमन हैंड के थ्रू जिसके ऊपर मास्क चढ़ाया जाता है जो इसकी मदर को मिमिक कर रहा होता है, उससे इनको खाना दिया जाता है, सो दैट के जो इनके नियोनेट्स हैं वो ये ज्यूम करें कि हमें हमारी माँ ही फीड कर रही है। तो ये एक एक स्ट्रैटेजी है जो कैप्टिव ब्रीडिंग में इनके साथ परफॉर्म की जाती है। इनको इतना ज़्यादा इम्प्रूव करने की रीज़न यही है बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट लव्ड गेम बर्ड। इसको पकड़ने के लिए जितने भी उमरा हैं वो बहुत ज़्यादा एंक्शियस होते हैं। सो इवन इसकी कैप्टिव ब्रीडिंग को भी वही लोग प्रमोट करते हैं और उसी वही इसकी फंड रेजिंग करते हैं, वही इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। सो इस हवाले से ओवरऑल अगर हम इस बर्ड का स्टेटस या बाकी चीज़ें देखें तो वो IUCN भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चेक रख रहा है, या यू कैन से कि इसके ऊपर इंटरनेशनल एजेंसीज भी बहुत ज़्यादा चेक रखती हैं कि इस बर्ड का जो नंबर है वो रिड्यूस ना होने पाए। तो फीड में यंग शूट्स हैं, वीट के मस्टर्ड्स हैं, ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, फ्लावर्स ऑफ ग्राउंड, वीड्स, ड्रूप्स, बेरीज, दे आर ऑल्सो फ्लेवर्ड। जबकि फूड में जिस तरह भी हमने बात की कि दैट इज़ एन ओमनीवोरस, सो ऑब्वियसली इसने वेरियस तरह की कॉम्पोनेंट्स वेजिटेरियन डाइट के अलावा भी लेने हैं, जिनमें एंट्स शामिल हो सकती हैं, जिसमें टर्माइट्स हैं, बीटल्स हैं, ग्रास हॉपर्स हैं, सेंटीपीड्स हैं, और जिस तरह हमने पहले कहा कि कुछ लिजर्ड्स और स्नैक्स को भी देखा गया इसकी फीड का पार्ट होते हुए, सो स्मॉल लिजर्ड्स एंड स्नैक्स एज वेल। IUCN स्टेटस इज वल्नरेबल एज वी हैव डिस्कस्ड दैट दिस इज द मोस्ट फेवर्ड गेम बर्ड। सो इस हवाले से इसको जब हंट किया जा रहा है इसके मीट के लिए या जस्ट फॉर द रिक्रिएशनल पर्पजेज, सो इसने इसको वल्नरेबल कैटेगरी में फॉल करवाया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से इट इज़ ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ वाइड रेंज अक्रॉस नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट एंड वेस्टर्न एशिया। नेटिवली बहुत ज़्यादा कंट्रीज में इसकी एग्जिस्टेंस है, जिनमें इजिप्ट, लिबिया, मोरक्को, स्पेन, सूडान और वेस्टर्न सहारा, जबकि इसके अलावा अल्जीरिया जैसी कंट्रीज भी शामिल हैं।